हेलो एंड वेलकम। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? ऑल वेल, मजे में। चैप्टर नंबर 9 ओवर, चैप्टर नंबर 10 आज से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, राइट, आपके सर के द्वारा। चैप्टर नंबर 8 में जो समझा वो था रे ऑप्टिक्स, दैट मीन्स द लाइट इज प्रोपोगेटिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। बट उसके पास और एक नेचर है, केमिस्ट्री में पढ़ा आपने, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, वो भी है फिजिक्स में, वो सब देखना है। सो दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू दी वेव नेचर ऑफ द लाइट, राइट। हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, तो ये सब अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सब हिस्ट्री है, राइट। तो ये जो हमारा वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर है उसके अंदर जो सबसे पहली बात है वो डिकार्ट्रिस ने बताई थी, द लाइट पजेस दी पार्टिकल नेचर। ऐसा नहीं, द लाइट के पास कुछ ऐसा नेचर है, राइट, जो हमको वेव के बारे में बाद में पता चला, लेकिन उससे पहले जो पता था वो कार्स्किलर, वो मानते थे कि उसके पास कुछ ऐसे छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल जैसा कुछ होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट डिराइव द थियरी रिलेटेड टू द स्नेल्स लॉ। उसके बाद में स्नेल्स लॉ से आपको मालूम है रिफ्रैक्शन के लिए होता है, रिफ्लेक्शन भी समझाया उन्होंने, व्हेन द लाइट इज पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इट गेट्स बैंड फ्रॉम दैट पॉइंट, वहां से बैंडिंग स्टार्ट होती है, तो वो सब वहां से स्टार्ट हो गया, राइट। उसके बाद की जो हिस्ट्री है ये सब हिस्ट्री है, राइट। उसमें एंटर हुए वो टाइम के नहीं, ऑल द टाइम, एकदम से न्यूटन, आइजेक न्यूटन, ऑल टाइम हाई, राइट। न्यूटन भी ऐसा मानते थे कि लाइट के पास कुछ पार्टिकल नेचर जैसा है, इसीलिए उसके पास कलर्स हैं, वो सब मानते थे। उसकी एंट्री हुई, उन्होंने भी बताया कि यस इट इज, और उन्होंने उसके लिए एक बुक भी लिखी थी, बहुत पॉपुलर हो गई। और आप मानते हो ना कि ऐसे लीजेंड कुछ बोलते हैं तो उसके अंदर कुछ होता है, कुछ मतलब नहीं बोलते, यस इसकी बात में कुछ वजन होता है। सो ऐसा न्यूटन भी बोलते थे, राइट। तो ये सब 19th सेंचुरी के अराउंड में, उससे पहले और वहां तक की बातें थी, लेकिन उसी के बाद में वहां पर एट द बिगिनिंग क्या हुआ, तो उसमें ये हुआ, एंट्री हुई युगेंस, डच साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि लाइट के पास वेव नेचर है, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। वो बोलते हैं कि भाई वेव नेचर है तो समझाओ, चलो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, वो समझा पाए, रिफ्लेक्शन भी समझाया बकायदा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों समझा पाए, लेकिन फिर भी दिक्कतें होती थी उनको ये सब कुछ पब्लिक को मनाने में, साइंटिस्ट को मनाने में, राइट। धीरे 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 सब कुछ चलता रहा वो टाइम के ऊपर, और कुछ आगे समझाना था वो वेव थियरी से, तो तकलीफ आई कि अगर उसके पास वेव है तो वो वैक्यूम में कैसे जाएगा, अगर उसके पास वेव नेचर है तो वो अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में कैसे जाएगा। तो वहां पर एक बात आई, कौन सी वाली, द स्पीड ऑफ द लाइट वेव इन द वैक्यूम इज मोर विद कंपेयर्ड टू द स्पीड ऑफ द लाइट वेव इन द वाटर और अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। वैक्यूम में स्पीड ज्यादा है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में कम है, ऐसा उन्होंने बताया, और वो प्रूव भी हुआ। उसके बाद में लेटर ऑन बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके लिए काम किया और वो बकायदा प्रूव भी करके बताया कि कैसे हो सकता है, राइट। दिक्कतें बहुत सारी थी युगेंस को समझाने के लिए कि यस लाइट पजेस द वेव नेचर, क्योंकि पहले से जो एकदम एस्टाब्लिश्ड साइंस था, प्रैक्टिकल साइंस था, सब मानने के लिए उतना जल्दी रेडी नहीं थे, राइट। उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, सब कुछ, स्पीड ऑफ द लाइट, वेवलेंथ के लिए कुछ इंफॉर्मेशन मिली गई उसके साथ में, कि सपोज ऐसा समझो येलो लाइट है तो उसकी वेवलेंथ कितनी हो सकती है, तो उसके पास अगर छोटा सा पार्टिकल नेचर कंसीडर करें तो क्या हो सकता है, वो सब कुछ समझाने का काम भी वो टाइम के ऊपर किया गया था। फाइनली एंट्री किसकी हुई बच्चा पार्टी, सो फाइनली एंट्री हुई मैक्सवेल की। मैक्सवेल ने बताया बहुत क्लियरली थियोरिटिकली, लेकिन हाँ मैक्सवेल ने बहुत क्लियरली थियोरिटिकल बताया कि जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हो ना, जो लाइट बोलते हो ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो उसका कंस्ट्रक्शन है। बकायदा उन्होंने चार पिलर्स लिए थे,
गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, फैराडेज लॉ, एंड चौथा पिलर, चौथा पिलर एम्पियर्स लॉ, एक चैप्टर में पढ़े ना, ये चार पिलर से उन लोगों ने, मतलब मैक्सवेल ने, तो उन्होंने क्या बनाया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, राइट, जिसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया और मिला क्या, एग्जैक्टली वेव थियरी जैसा उसका सॉल्यूशन मिला। तब जाके बता दिया कि यस, लाइट पजेस द वेव नेचर और उसके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विद द टाइम एंड स्पेस इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन, और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द टाइम एंड द स्पेस इट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, बस वो दोनों एक साथ में चलते हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होता है। इफ अ चार्ज इज स्टेडी देन इट विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ चार्ज इज मूविंग देन इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, बट इफ द चार्ज इज ट्रेवलिंग विद द एक्सेलरेटेड मोशन देन इट प्रोड्यूस व्हाट, देन इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होता है वो नहीं सीखना है, वो तो एट्थ में सीख लिया, नाइन्थ में हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स सीखा, यहां पर वेव ऑप्टिक्स सीखना है माय डियर बच्चा बर्डी। तो लेट मी बिगिन अवर चैप्टर नंबर 10, जिसके अंदर हमको जो पुराना दो तीन कंसेप्ट है वो वेव नेचर से कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं वो समझना है, ताकि एस्टाब्लिशमेंट हो सके वेव नेचर का। यस, इट कैन एक्सप्लेन द पास्ट, मतलब जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की फिनोमिना थी वो वेव नेचर से एग्जैक्टली सेम टू सेम मिलती है या नहीं मिलती है। उसके बाद में इंटरफियरेंस आएगा, उसके बाद में डिफ्रैक्शन एंड लास्ट में पोलराइजेशन, चैप्टर खत्म। सो बच्चा पार्टी, लेट मी बिगिन दैट। सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास है वेव फ्रंट का। व्हाट इज द वेव फ्रंट? बस वही तो समझा रहे हैं, राइट? सो लेट्स वी बिगिन अगेन डियर बच्चा पार्टी। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन खत्म करने के बाद नेक्स्ट इज द ह्यूगेंस प्रिंसिपल। ह्यूगेंस नेम था साइंटिस्ट का, जिसको हाइगेंस भी बोलते हैं, ह्यूगेंस भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन आप अपने आप करो, लेकिन स्पेलिंग ऐसा लिखना है, राइट? यू हैव टू स्पेल लाइक दिस। नाउ क्या बताया उसने? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वो प्रिंसिपल समझने से पहले हमको एक कंसेप्ट बहुत क्लियर करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। क्या है वेव फ्रंट? जो वर्ड जो मीनिंग बता रहा है वही है, लेकिन समझना जरूरी है। सपोज आपके पास कोई एक स्पेस छोटी सी है जिसके अंदर पानी भरा हुआ, राइट, कंटेनर है, टैंक है, ऐसा कुछ है, स्टेडी वाटर होना चाहिए, फ्लोइंग नहीं, स्टेडी वाटर, और जगह थोड़ी बॉडी होनी चाहिए, ऐसी भी नहीं कि लेक जैसा। तो सपोज यू जस्ट ड्रॉप अ स्टोन इन दिस वाटर, तो आप बोलोगे सर ये तो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, यस, लेकिन ऑब्जर्वेशन अभी करना है। इफ यू जस्ट ड्रॉप अ स्टोन इन दिस वाटर, देन व्हाट हैपन, द सर्क्यूलर स्मॉलर रिंग गेट्स प्रोड्यूस वंस अ टाइम, एंड एज यू ऑब्जर्व इट देन दिस रिंग्स गेट बिगर 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 एंड बिगर, राइट? इफ यू वॉच केयरफुली देन व्हाट हैपन, फ्रॉम द सेंटर the distance is same at every point on the circle, so we can say that in the language of the physics, in the word of the physics, what can we say? We say that all the particles of the water, all the molecules of the water are in the same phase, that you can say that you measure from the center to that point. All the point on the circumference, all this point on the circle are in the same phase. That means this is nothing but you can say that it is a wave front. So it is a circular wave front. Circular because it is a two dimension, right? Now, ऐसा ही अगर आपने three dimension में सोचा light के लिए तो क्या हो सकता है बताओ आप? Suppose I have a smaller light source S. अभी एलईडी आपने देखी होगी, छोटी सी होती है एकदम से, ऐसा लाइट का सोर्स है। अभी मैंने स्विच ऑन की, दिखेगा नहीं, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, तो दिखेगा नहीं ये सब। लेकिन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि फ्रॉम दिस पॉइंट इफ आई ड्रॉ अ स्फीयर लाइक दिस,
then it will form a wave front. Again, if I draw a bigger sphere, then again it is a second wave front. If I draw next, then this one is also the, you can say, wave front. So, जैसे 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 ये बाहर निकलता जाएगा, ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे वेव फ्रंट्स मिलते जाएंगे. क्लियर बात आ रही है ना? समझ में? आगे की बात करें. सो यहां पर और क्या हो रहा है वो समझा हुआ. यहां पर और क्या हो रहा है वो भी समझा हुआ आपको. देखो कि यहां पर ये सब पॉइंट्स सेम फेज में ऑसिलेशन कर रहे हैं और धीरे 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 वो वेव आगे जा रहा है. द सेम प्रोड्यूस हियर इट इज कॉल्ड द वेव फ्रंट. आपको पता है कि वेव फ्रंट की डेफिनेशन बताना बोले तो the particles or the medium particles which are oscillating in the same phase, the plane passing through it is known as the wave front. Plane ke aage word lagana padega imaginary, kyunki wo steady nahi hota hai bhai. So the imaginary plane passing through the points which are oscillating in the same phase is known as the wave front. Yahan par kaun sa wave front bana bachcho? Spherical, right? Aise mujhe प्लेन वेव फ्रंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? थिंक अबाउट दी स्फीयर. आप बोलोगे सर क्या सोचे? यस बताता हूं क्या सोचना है. थिंक अबाउट द वॉलीबॉल फुटबॉल. उसके अंदर सेंटर के ऊपर ऐसा बल्ब छोटा सा है तो उसके जो फेस के ऊपर सरफेस के ऊपर जो हेक्सागोन पेंटागोन जैसा कुछ ड्रॉ किया हुआ, नहीं ड्रॉ नहीं है ऑलरेडी है, तो ऐसे अगर मैं सोचू तो यहां पर यह सोर्स है, यहां से ये सब रेस निकलते हैं लाइक दिस. ऐसा मैं सोच सकता हूं, राइट? देन तो ये सोर्स यहां पर है, ऐसा सोचिए, राइट? दिस इज द सोर्स. नाउ इमेजिन दैट दिस टाइप ऑफ सरफेस इज ऑन द स्फीयर्स. आप ऐसा सोच सकते हो. धीरे धीरे आपको मालूम होता जाएगा कि ये अपना शेप जो है वो सर्कुलर में से धीरे 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 प्लेन होता जाता है, राइट? आप यहां पर भी देख सकते हो कि अगर मैंने यहां से ड्रॉ किया ऐसे, तो यहां पर कर्वेचर ज्यादा, यहां पर यहां पर यहां पर धीरे धीरे पार्ट सेम होता जाएगा, लेकिन यहां पर अगर मैंने इतना छोटा सा पोर्शन ले लिया तो ये प्लेन जैसा दिखेगा. सो हियर दिस आर द स्फीयरिकल वेव फ्रंट, बट इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस तो मुझे ये सब वेव फ्रंट कैसे मालूम पड़ेंगे प्यारे बच्चों? तो मुझे ये सब वेव फ्रंट प्लेन मालूम पड़ेंगे. सो ऑल दिस आर नथिंग बट दी प्लेन वेव फ्रंट. ये सब कैसे? प्लेन वेव फ्रंट है. सो फ्रॉम द पॉइंट सोर्स द प्लेन वेव फ्रंट आर प्रोड्यूसिंग आर अपीयरिंग एट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. कहां पर मिलता है? इनफाइनाइट डिस्टेंस. सन में से जो लाइट यहां पर हमारे तक पहुंचती है वो प्लेन वेव. ये छोटा सा बल्ब है यहां से निकलता है तो वो सर्कुलर और यू कैन से दैट स्फीयरिकल वेव फ्रंट, राइट? देन सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है? जैसे हमारे पास सोर्स जैसा कुछ है तो इसके लिए हम लोग ऐसा कोई सोर्स लेते, जैसे हमारे घर में ट्यूबलाइट है, राइट? स्टिक है उसका. अगर यहां से हम लोगों ने ऐसा कुछ लिया लाइक दिस तो क्या होगा बच्चों? यहां पर होगा ये. तो यहां से डिस्टेंस सेम होना चाहिए. मैंने थोड़ा बहुत डिस्टर्ब, यस. सो फ्रॉम दिस सेंटर दिस वन विल प्रोड्यूस द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, राइट? दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट. प्लेन वेव फ्रंट दिस वन इज द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, राइट? अब ये बात समझ में ना? सेम फेज होना चाहिए, इन फेज होना चाहिए. नाउ ह्यूगेंस प्रिंसिपल क्या समझाता है? तो ह्यूगेंस प्रिंसिपल ये समझाता है कि सपोज द फर्स्ट वेव फ्रंट इज प्रोड्यूसिंग हियर हियर, हाउ द सेकेंड वेव फ्रंट गेट्स प्रोड्यूस, हाउ द नेक्स्ट वन, हाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट द पोजिशन एंड व्हाट अबाउट द सेप ऑफ द नेक्स्ट वेव फ्रंट, दैट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द ह्यूगेंस प्रिंसिपल. क्या करना है हमको? देखो समझाता हूं. Suppose I have this type of point source and I can say that this is S. ऐसे बहुत सारे positions में यहां से ले सकता हूं. I think मैं ये और ये draw कर रहा हूं, है ना? तो सबसे पहले मैं ये वाला draw करता हूं. So this is the first wave front.
ये मैंने फर्स्ट वेव फ्रंट ड्रॉ किया, उसके सेंटर के ऊपर मेरे पास ऐसे राइट, मैं यहां से ऐसे दो तीन चार यहां से वेव्स को जो निकलते हैं वो दिखाऊंगा लाइक दिस। बहुत ज्यादा नहीं दिखाएंगे क्योंकि जितना ज्यादा यहां से ड्रॉ करोगे उतने ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा ना। यहां जो वेव फ्रंट है ये वाला, सो दिस वेव फ्रंट यू कैन से दैट गिव इट नेम एज F1, F2। सो व्हाट इज F1, F2? इट इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट। नाउ ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस वेव फ्रंट आर बिहेविंग लाइक अ सेकेंडरी सोर्स। इनिशियल प्राइमरी सोर्स इज दिस S, लाइक सन। दिस इज द सेकेंडरी सोर्स एंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेकेंडरी सोर्स ऑल्सो प्रोड्यूस द सेम टाइप ऑफ सिलेंड्रिकल वेवलेट्स। मतलब वेव प्रोड्यूस करते हैं, है ना। सो ये वेवलेट्स कैसे बनेंगे प्यारे बच्चों? सो दिस वेवलेट्स आर कंप्लीट स्फीयर बनते हैं ऐसे, राइट। सो ऑल दिस आर नथिंग बट द कंप्लीट स्फीयर। लेकिन ड्रॉ करना होता है, हमारी बुक का रेफरेंस लेते हैं तो ये कंप्लीट स्फीयर नहीं बताते हैं वो लोग। यहां से छोटा छोटा पार्ट जो है वो बीच में से निकाल देते हैं, पूरा स्फीयर नहीं दिखाना होता है। दिखाओ तो भी कोई गलत बात नहीं है। नाउ After some interval of time, क्या लोगे आप टाइम? जो लेना है, एक सेकेंड, दो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, जो कुछ भी लेना है। Then the tangent to all these wavelets, यहां से इसको tangent draw करोगे तो ये tangent क्या दे सकता है? This tangent is G1, G2, right? So this G1, G2 is the new wave front producing after the small interval of time and the time is t. So what about this distance? अगर वेव की स्पीड v है तो ये हो जाएगा v इंटू डी, बिकॉज द डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये हो जाएगा, आई बात समझ लो, बस ऐसे हो जाता है ये डिस्टेंस बनेगा। दिस इज नॉट इन द केस ऑफ ओनली द स्फेरिकल वेव फ्रंट, इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन द केस ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट ऑल्सो। प्लेन के अंदर भी ऐसा बन रहा है, अगर ऐसा सोच रहे हो तो क्या होगा? सो यू कैन से दैट माई डियर फ्रेंड्स दिस इज द वेव फ्रंट, राइट। एंड दिस इज, अगर इसका सोर्स ड्रॉ करोगे तो कहां पर करना पड़ेगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर, बिकॉज वी ऑलरेडी सेड दैट द वेव फ्रंट इफ इट इज अ प्लेन देन इट सोर्स इज एट इनफाइनाइट। ओके, यहां से हमको फिर से ऐसे वेवलेट, यू कैन सी दिस F1, F2, इसको भी F1, F2 बोल सकते हो, राइट। देन आफ्टर यहां के सभी पॉइंट्स, अभी आपने ये दो तीन चार पॉइंट जितने भी दिखाने दिखा दो, नो इश्यू एट ऑल। देन ऑल दिस आर प्रोड्यूसिंग व्हाट? This type of spherical wave, this is called wavelets, right? ऐसा produce करेंगे वो सभी, and उसको tangent जो है वो क्या दिखाएगा? तो उसको tangent जो है वो बच्चों नया wave front आपको दे सकता है। तो ये tangent इसको draw किया, right? This is the tangent drawn to it, right? तो इसको tangent draw कर दिया है। तो यहां पर ये हो जाएगा जीवन मृत्यु, नहीं नहीं G1, G2, है ना। सो दिस इज नथिंग बट द न्यू वेव फ्रंट प्रोड्यूसिंग। सो ऑल द पॉइंट्स यू कैन से दैट हियर इट इज A1, सो इसका यहां पर A2, B1 तो इसका B2, C1 तो इसका C2, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। सो डिफाइन कैसे करेंगे, स्टेटमेंट कैसे देंगे हुगेंस प्रिंसिपल का? तो स्टेटमेंट ऐसे देंगे प्यारे बच्चों, फ्रॉम द primary source, the you can say that the waves are producing, then we have the wave front. So all the points, start karte hain, all the points on the wave fronts behaving like a secondary source of the light and they are producing the spherical wavelets, and after small interval of it the tangent to all these wavelets is nothing but the new wave front, and it will gives you the shape and size of the new wave front. Clear? 2 marks का क्वेश्चन हो गया यार ये। अगर कुछ नहीं बोलते तो इसके लिए समझाओ, अगर स्फेरिकल बोला है तो ये समझाओ, प्लेन बोला है तो यही समझाना है, इसकी जरूरत नहीं है। आ गई बात समझ में? दैट्स इट फॉर द योगेंस प्रिंसिपल, राइट। ओके, और एक दो बात इसमें है जो मैंने बताना भूल गया, वापस आ गया, है ना। तो युगेंस ने ऐसा बताया कि जो वेव है ना वो आगे की डायरेक्शन में जा रहा है, इट इज जस्ट मूविंग इन द फ्रंट डायरेक्शन। आपके जैसे किसी ने, स्टूडेंट्स ने पूछ लिया कि सर इससे पीछे जाएगा तो क्या होगा? इससे पीछे भी तो जा सकता है ना, जैसे आगे बताया, इससे पीछे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द वेव्स ऑन द बैक साइड ऑल्सो।
तो बैक साइड के लिए क्या करना पड़ता है? तो बैक साइड के लिए यहां से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, जो मैंने स्पीयर्स बनाए हैं ना, वो स्पीयर्स आधे आधे स्पीयर्स नीचे ड्रॉ करने होते हैं लाइक दिस, राइट? सो इट इज लाइक दिस. सो यहां पर भी ये टेंजेंट होता है, यहां पर भी ऐसा ही टेंजेंट आपको ड्रॉ करने का मिलने वाला है, राइट? ओके, सो दिस इज द टेंजेंट टू इट. तो इसको टेंजेंट ये है, राइट? तो ह्यूगेंस ने बताया कि भाई देखो, मैंने तो बता दिया कि वेव्स आगे ही जा रहे हैं, पीछे नहीं जाते हैं. किसी ने पूछा भाई समझाओ तो सही, क्यों नहीं जाते? बस नहीं जाते तो assumptions हो जाता है, प्रोडक्शन कर लेते कैसा हो जाता है. सो दिस इज द एडहॉक assumptions एट दैट टाइम. ह्यूगेंस ने बताया था कि भाई मुझे मालूम नहीं है लेकिन ऐसा करना पड़ेगा, राइट? बट आफ्टर सम टाइम, थोड़े बहुत टाइम के बाद, मतलब दो चार सेकेंड ऐसा नहीं, दो चार दिन ऐसा नहीं, सालों बाद साइंटिस्ट समझा पाएगी यस द वेव जस्ट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन नॉट इन द बैक डायरेक्शन. मतलब ये सोर्स है तो आगे ही जाएगा, पीछे नहीं जाएगा. इसका रीजन हम लोग इंटरफियरेंस के थियरम में समझाएंगे. दिस वेव इज जस्ट मूविंग अहेड इन द फ्रंट डायरेक्शन, इट इज नॉट इन द बैक डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द इंटेंसिटी. इंटेंसिटी के लिए हम लोग ये समझा पाएंगे, राइट? तो थोड़ी बहुत दिक्कत थी ह्यूगेंस प्रिंसिपल के अंदर, बट ऑल ओवर वेव फ्रंट कैसे प्रोड्यूस होता है वो समझाने का काम उन्होंने बहुत अच्छे से कर दिया था, राइट? ओके बच्चा बाटी, क्या बोलते हैं हम लोग कि वेव नेचर से दो फिनोमेनन एक्सप्लेन कर दिया. वन इज द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट एंड सेकेंड वन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. एज यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू द लास्ट चैप्टर नंबर 9, रिफ्लेक्शन के लिए अलग लॉ है, रिफ्रैक्शन के लिए अलग लॉ. स्नेल्स लॉ आपको मालूम है. इफ वन कैन एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ दिस वेव थियरी, देन दिस वेव थियरी कैन एक्सप्लेन द विच फिनोमिनन. सो दिस कैन बी एक्सप्लेन दैट यू कैन से दैट यस, विद द हेल्प ऑफ वेव थियरी वी कैन एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑल्सो, राइट? सो लेट्स बिगिन. सपोज हमारे पास ये एक मीडियम है, राइट? दिस इज द separating space or surface between the two mediums, right? So now here, this is what? This is the medium 1 and this is the medium 2. For the medium 1, the refractive index mu 1 is equal to, you can say 1, and here the mu 2 is equal to 2, right? Wave front maine bataya, this is the combinations of the lots of waves, right? So suppose the wave front is incident here by this way. ऐसे तरीके से यहां पर एक wave front यहां पर incident होता है. Then this point is called A and here this point is called B. कैसे आ रहा है? So it is like this. This wave front incident here, it is like this. So एक स्टिक जैसा आप बोल सकते हो, दिस इज कॉल्ड ए वन एंड दिस इज कॉल्ड बी. ऐसे स्टिक जैसा नीचे आ रहा है. अगर आपको इसका डेमो देखना है तो क्या करना पड़ेगा? इफ यू वॉन्ट टू सी द डेमो ऑफ इट, देन क्या करना पड़ेगा? सो फॉर दिस पर्पज यू कैन से एक स्टिक ले लो, कैमरा एडजस्ट कर लो, सरफेस के साथ में, ग्राउंड फ्लोर, फ्लोर के साथ, ग्राउंड फ्लोर मतलब जरूरी नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर के साथ में, ये स्टिक को धीरे से छोड़ दो. तो स्टिक का ये पोर्शन यहां से क्या होगा? जस्ट टच होगा और धीरे 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 बाकी का पोर्शन टच होगा. सेम फिनोमेना अगर आप पानी के अंदर करते हो तो क्या होगा? तो पानी के अंदर ये पोर्शन जाएगा ऐसे धीरे 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 अंदर और ये वाला पोर्शन जस्ट टच करेगा, तब की बात ये हो रही है, राइट? तो बताया मैंने वो स्टिक का एग्जाम्पल देखे, बस वैसे ही बात हो रही है. ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें से व्यू को अंदर जाना है, बट द थिंग इज दैट दिस इज द रैरर मीडियम एंड दिस वन इज द लिटल बिट डेंसर मीडियम, राइट? तो यहां पर अभी हम लोग बात करें तो क्या हो सकता है? सो दिस वेव जस्ट एंटरिंग इनटू द सेकेंड मीडियम, सो इट इज लाइक दिस. हियर द स्पीड हियर इन द सेकेंड मीडियम, हियर द फर्स्ट मीडियम द स्पीड इज वी वन एंड हियर द सेकेंड मीडियम इज वी टू. वी आर गिविंग द टोटल टाइम that is t. In the same time interval, this wave travel this distance. So the time is given t to both the part, you can say this. And here it is, you can say it is c. And this is e.
Now, the wave front is forming again with the help of this type of waves like this. So, यहां पर भी ऐसा ही wave आएगा और यहां पर भी same wave आएगा. Now, tangent to it will form a new wave front. तो इसको tangent draw करोगे तो ये नया wave front आपको दे सकता है. So, you can say that this AB is the incident wave front. That's why this angle is called I. With this now, then this EF is the refracted wavefront with this surface. So this angle is called I. Here the angle forming here and here it is 19 because it is a tangent to that one. Dusri baat, the time required to travel this wavefront from B to C is T. So the distance traveled by it is V1 into T. Because distance is equal to speed into time. The same way the speed is here V2, so the distance VE is traveled with the V2T. Clear? Now, ये सब explanation में आना चाहिए, right? Now, we want to derive the Snell's law. So how can we derive? So for the triangle, you can say that ABC. For the triangle ABC, if you write sine I, my dear Bachcha Party, then it is BC divided by AB. Sorry, AC. And you know that sine I is equal to BC, that is V1 into T upon AC, number one. Same way, what about sine R? My dear friend, sine R is equal to, it is AE divided by AC. So now you can say that sine R is equal to AE. So AE is equal to V2 into T upon AC. It is number 2. Right? Now, agar iske baad mein baat kare to Snell's law is what? The sine of the incident to the reflection angle. Refraction angle, the ratio of it is nothing but the refractive index of the second medium with respect to the first medium. So if I take a ratio of sine I divided by sine R, that you say V1 into T upon AC divided by V2 into T upon AC, it gets cancelled, T is also, so it is V1 by V2. So now you can say that sine I upon sine R, that is V1 by V2. This is number 3. But you know that absolute refractive index, absolute refractive index, absolute refractive index, that is you can say that mu1, kai bar n1 symbol bhi use karte aap log jante ho. It is nothing but the speed of the light in the vacuum divided by the speed of the light in the medium. Same way, agar main mu2 likho, n2 likho, to mujhe kya milega? Mujhe milega c upon v2, right? So now if I multiply and divide with this c, to mujhe kya milne wala hai? To main aisa likh sakta hu mere bachcho, that is sin I upon sin R, that is equal to V1 by V2, right? To main yahan par c karta hu, multiplication mein c deta hu division mein. Abhi main isko aise likh raha hu, dekho. ये लिख रहा हूं, ये V2 इसके नीचे लेकर आता हूं. सो इट इज C अपॉन V2. आ गया, दैट इट इज C, तो ये नीचे जाएगा. सो इट इज C अपॉन V1. बट व्हाट इज C अपॉन V1 एंड वन C अपॉन V2, इट इज N2. सो यू कैन राइट दस, ओके सॉरी, इक्वल टू, हाँ, इट इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, और यू कैन से N1, सॉरी N2 बाय N1. जो सिंबॉल है बुक में वो लिखना है, राइट? Now with this cross multiplication here and here, तो आपको last formula मिलेगा n1 sin I, it is equal to n2 sin R. This is what, my dear Bachcha Party, this is the Snell's law, है ना? बस और कुछ नहीं है. Okay, और एक बार speed के साथ में related. अभी हम लोगों ने ये formula derive किया. अभी ऐसा समझो कि यहां पर जो वेवलेंथ है वो लैम्डा वन है, राइट? यहां का डिस्टेंस आपको दे रहा है वेवलेंथ लैम्डा टू. सो क्या लिख सकते हो आप? सो बच्चा पार्टी, ए ई अपॉन ए सी, तो मैं यहां पर साइन आई अपॉन साइन आर लिखू आपके लिए.
सपोज आई राइट साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज सो साइन आई के लिए मुझे लिखना पड़ेगा बीसी, देन डिवाइड बाय ए ई लिखना पड़ेगा, राइट right? ऐसे डेरिवेशन के बाद में इट इज वॉट वी वन बाई वी टू, ओके वो बाद में लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू वॉट, दिस इज लैम्बडा वन डिवाइडेड बाय लैम्बडा टू एंड दिस इज ऑल्सो वी वन बाई वी टू. तो अभी मुझे फॉर्मूला क्या मिला बताए, वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू लैम्बडा वन बाय लैम्बडा टू. एक बहुत क्लियर बात आपको इसके ऊपर से मिलती है नंबर फोर इक्वेशन में, फोर इसको देते इसको देते हैं फाइव. तो नंबर फाइव इक्वेशन क्या बोल रहा है बताए, सपोज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द फर्स्ट मीडियम इज विद द वेवलेंथ लैम्बडा, देन इन द सेकेंड मीडियम विद द स्पीड वी टू द वेवलेंथ इज लैम्बडा टू. बहुत अच्छी बात इसमें से निकल के आती है. एज यू नो द फॉर्मूला ऑफ द लाइट स्पीड दैट इज सी इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ, सी इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ. हियर द स्पीड गेट्स चेंज, वेवलेंथ गेट्स चेंज. फिर से बोल रहा हूं, ये मीडियम के अंदर लिखेंगे तो वी लिखना पड़ेगा, वी चेंज हो रहा है, लैम्बडा चेंज हो रहा है, बट एफ इज नॉट चेंज, एफ चेंज नहीं होगा, एफ इज द फ्रीक्वेंसी. मतलब इफ द लाइट इज जस्ट फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, एंटरिंग फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू द सेकेंड मीडियम, द क्वांटिटी विच विल नॉट गेट चेंज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट. वो कॉन्स्टेंट रहती है हमेशा के लिए, ये आपको समझना है, राइट right? तो बस ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ द प्लेन वेव, रिफ्रैक्शन ऑफ द प्लेन वेव फ्रेंड फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम. ऐसे समझाया स्टेंस में. अभी कैसे कौन से मीडियम में गया, रेरर टू द डेंसर में गया, रेरर टू द डेंसर. अभी उल्टा समझो, अगर वेव यहां से ऊपर जाता है तो क्या होगा, वही होगा जो अभी आपने सीख लिया, राइट सेम बट अलग दिया है क्वेश्चन आपकी बुक में, तो मैं वो भी समझा देता हूं, है ना. बताया मैंने दूसरा पॉइंट क्या होता है, रिफ्रैक्शन एट अ रेरर मीडियम. मतलब अभी ये रेरर था, ये डेंसर था, यहां पे लिख देते हैं डेंसर मीडियम, देन दिस वन इज रेरर मीडियम, राइट. अभी उल्टा हो रहा है मेरा बच्चों, उल्टा का मतलब समझ सकते हो ना, दिस इज द डेंसर मीडियम एंड दिस वन इज द रेरर मीडियम, राइट. अभी वेव फ्रंट ऐसा ही आएगा, लेकिन 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 ये डिस्टेंस जो ज्यादा था ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये डेंसर है प्यारे बच्चों, एंड डेंसर मीडियम के लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी मैं इसका एंड वन ही बोलता हूं, एंड हियर इट इज एंड टू, राइट ओके. अभी यहां पर मैं कंडीशन लिखूं तो एंड वन इज ग्रेटर देन एंड टू, इसकी कंडीशन लिखूं तो यहां पर लिखूं ना, ओके हियर इट इज एंड टू इज ग्रेटर देन एंड वन. समझ रहे हो ना प्यारे बच्चों, राइट. नाउ द वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन दिस वन, सभी नोमेनक्लेचर सेम ही रखेंगे, यहां पर ए तो मैं ए रखूंगा, यहां पर बी तो मैं बी रखूंगा, राइट. बट द थिंग इज दैट द टाइम इन विच द वेव फ्रंट ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी द सेम टाइम गिवन टू दिस ए पॉइंट बट इट इज लिटल बिट मोर, ये कम है ये ज्यादा है ना. बस तो फिर प्यारे बच्चों यहां पर होगा क्या, दिस वन विल फॉर्म अ न्यू वेव फ्रंट एज इट इज, राइट. नाउ एंगल की बात कर लेते हैं, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. द डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज वी वन इंटू टी, या द डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज वी टू इंटू टी, दोनों को टाइम सेम दिया हुआ है. बस सभी आप ऐसे ही डिराइव कर सकते हो, मैं लिख के समझाऊ, लिखना भी यही है, मीडियम वन मीडियम टू सब कुछ इंस्ट्रक्शन इसके अंदर होनी चाहिए. देन व्हाट आई से माय डियर फ्रेंड्स, सपोज आई राइट साइन आई, सो इट इज वी वन टी अपॉन एवी, सॉरी इज देन इट इज साइन आर. तो मैं क्या लिखूंगा माय डियर फ्रेंड, साइन आर इज इक्वल टू वी टू टी अपॉन, यू कैन से दैट ए सी. अगर दोनों को रेशियो में ले लेता हूं तो ये टी कैंसल, ए सी कैंसल, देन इट इज V1 by V2, right? Same आ रहा है. Okay, so then sin I upon sin R that is equal to V1 by V2,
इट इज ऑल्सो यू कैन से दैट एन टू बाय एन वन, फिर से वही चीज डिराइव होके मिल जाएगी आपको, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है आपको वैसे तरीके से समझना है। हाँ, कुछ नहीं बोला है तो ये समझा, ये नहीं, छोटा सा है आपकी टेक्स्ट बुक में ये डिस्क्रिप्शन, इसके लिए नहीं दिया है, आपको खुद बनाना पड़ेगा। बेटर वे ये है कि आप ये एक्सप्लेन कर दो, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन वेव पूछा है तो यही कंपल्सरी यही लिखो, ये मत लिखो स्पेशली पूछा है रिफ्रैक्शन फ्रॉम द रेरर मीडियम तो ये लिखो, करेक्ट। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट दैट इज द, यू कैन से दैट द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन वेव, मतलब अगर प्लेन वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होता है, सो द कंडीशन इज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेम और नॉट, दैट वी ऑलरेडी सीन इन द लास्ट चैप्टर एज वेल एज यू ऑलरेडी स्टडीड इन दैट 10th स्टैंडर्ड, राइट। तो देख लेते हैं वो भी क्या हो रहा है। सी देन दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, यू कैन गिव अ नेम दैट इज ए बी, सो ए बी इज द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। On this reflecting surface, you can say that this is the incident wave, plane wave front. Okay, incident plane wave front. ऐसा एक wave front incident हो रहा है. Now, you know very well, the new wave front will be forming by this way. धीरे धीरे ये wave ऐसे आता जाएगा, तो यहां पर जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, वो स्टिक वाला एग्जांपल मैंने समझाया था ना रिफ्लेक्शन के लिए, एस यू ड्रॉप द स्टिक, थोड़ी बहुत लंबी 2-3 मीटर वाली स्टिक को यहां से ऐसे इंक्लाइन करके छोड़ दो, सो जैसे फ्लोर को टच होगी ये वाला पोर्शन धीरे 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 ऐसा होता जाएगा लाइक दिस, समझ रहे हो, बस वही बात यहां पर एक्सप्लेन करनी है आपको। सो क्या होगा यहां पर, सो वंस द लाइट इज इंसिडेंट हियर, सेम वे यहां पर भी आपको कुछ रिफ्लेक्ट होके मिलेगा, सो एज सच वॉट एवर द टाइम टेकन बाय इट, सेम वे द टाइम इज हियर, तो यहां पर आपको सेम टाइम, सो हियर द टाइम टेकन इज दैट इज यू कैन से दैट वी वन इन टू टी, बच्चो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, वी वन नहीं लिखे तो भी चलेगा, इट इज वी इन टू टी, राइट। नाउ सी दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहां पर ये वेव फ्रंट यू कैन से दैट पीक्यू नाम दे दो, तो ये पीक्यू पूरा प्लेन वेव फ्रंट है, वो इंसिडेंट हुआ, दैट्स व्हाई द एंगल इज कॉल्ड आई, राइट। सो यहां पर पीक्यू एस कर देते हैं, राइट। सो एज सच इट इज इंसिडेंट ऑन दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन यहां से ऐसा होता जाएगा, राइट। तो यहां पर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे मिलेगा, सो बच्चों रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मुझे मिलेगा ऐसे, so the distance qs is equal to you can say that p p dash, whatever the distance qs, the same distance here it is, you can say that p p dash, right। to abhi ye angle jo banega yahan par, this is called the angle of reflection, because this is the reflected wavefront, how just this reflected wavefront gets formed, so jaise bachcho ye incident wavefront bana tha वैसे ही ये यहां पर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा, आ रही है बात समझ में। बस अभी यहां पर हमको प्रूव करना है कि I इज इक्वल टू R होना चाहिए, राइट। सो नाउ बच्चों, जैसे मैंने बोला था वैसे कि यहां से दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द इंसिडेंट वेव फ्रंट, बता देते हैं आपको, है ना, दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, राइट। नाउ जैसे ये कहां से आया रे, तो आप बोल सकते हो सर ये रे यहां से आया, और ये आगे एक्सटेंड करोगे तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा, सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड यू कैन से दैट दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा भी बता सकते हो, राइट। ओके, आपकी बुक में इसको आर नहीं बताया, कोई बात नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। नाउ फॉर द ट्राइंगल यू कैन से दैट फॉर द ट्राइंगल पी क्यू एंड एस, पी क्यू एस एंड फॉर द ट्राइंगल यू कैन से दैट पी पी डैस एस, ये दोनों ट्राइंगल जैसे टेंथ में पढ़े थे कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, सो इन दैट केस यू कैन से
the side this one PP dash and the side this one BT both are same. So two side same हो गए. Side same है तो उसके सामने वाला angle भी same होना चाहिए. तो वो भी हो गया. अगर उसके साथ में एक side match हो जाती है तो दोनों triangle में ये side same है. कौन सी वाली? PS. So ऐसे triangle similar triangles हो जाते हैं. और in the case of similar triangle the angles are also same. अगर नहीं आ रहे तो आप साइन आई लिखो, साइन आर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों. साइन आई लिख दो, साइन आर लिख दो. चलो तो साइन आई होगा क्या? इट इज वी इंटू टी राइट अपॉन दिस यू कैन से दैट पी एस राइट. साइन आर के लिए लिखो इट इज व्हाट? इट इज वी टी अपॉन पी से. दोनों सेम आ रहा है यार. सॉरी PS, PS cancel, VT, VT. मतलब दोनों सेम हो गया. विद द हेल्प ऑफ दिस टू यू कैन से दैट साइन आई इज इक्वल टू साइन आर. दैट्स इट राइट. सो बाय दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन. प्यारे बच्चों, व्हाट हैपन इन द केस ऑफ दिस प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म? तो वो भी समझा रहे. देखो क्या होता है बच्चों, इफ द प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, तो आपको मालूम है प्रिज्म ग्लास से नॉर्मली बनाते हैं. अगर उसके ऊपर प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है ऐसे, तो होगा क्या बताइए मुझे? दिस आर द थ्री रेस राइट जो प्लेन वेव फ्रंट बनाएगी. तो आपको बहुत एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, दिस रेस ट्रैवलिंग थ्रू दिस वन. सो द स्मॉलर पोर्शन थ्रू दिस ग्लास डेंसर मीडियम, दिस वन विद द लिटिल बिट मोर एंड दिस वन विद द हाइएस्ट वन. तो होगा क्या बच्चों? तो ये जल्दी बाहर निकलेगा, मतलब ऐसे राइट. ये थोड़ा धीरे आएगा, मतलब ऐसे, और ये आराम से आएगा, है ना. तो अभी आप समझो इसका वेव फ्रंट रहेगा तो प्लेन, बट दिस वन इज द आउटकम राइट. तो ऐसे आएगा ये. आई बात समझ में? है ना. So, because the thing is that denser medium में ज्यादा distance cover करना, यहां थोड़ा कम, यहां minimum, तो ये बात बन जाती है कि नहीं. और एक बात, अगर यही चीज हमारे पास convex mirror के लिए होती तो क्या होता प्यारे बच्चों? ये हो गया convex mirror, right? Sorry, mirror नहीं, lens, है ना, convex lens. तो बच्चों क्या होता? See, फिर से एक बार समझाना है. So this is the plane wave front which is incident on it. This one center में से पास होने वाला ये और ये ऊपर से. क्या होता है बच्चों? बच्चों ये होता है कि यहां से ये पास होगा डिस्टेंस काम, यहां से ये पास होगा डिस्टेंस काम, लेकिन इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा. मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने समझ लिया होगा कि ये जल्दी बाहर निकला मतलब ये गया, ये जल्दी ये आया मतलब ये गया, और ये गया तो ये आया. तो यहां पर आपको इसका ऐसा कुछ आउटकम मिल सकता है. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑल आर कॉन्वर्जेस एट वन पॉइंट. ये सभी एक जगह पर ही यहां पर मिलेंगे राइट. एंड फाइनली व्हाट हैपन इन द केस ऑफ मिरर? मिरर के लिए क्या हो सकता है? सपोज यू हैव, कौन सा मिरर है जल्दी बताइएगा, बोलिए कौन सा मिरर है? दिस इज द कॉनकेव मिरर राइट. So if there is a concave mirror and if the plane wave front is incident on it, my dear bachcha party, फिर से तीन ray ले रहे हैं हम लोग, है ना. यहां पर मैं ray wave बोल रहा हूं, ये this are the rays, you can say that wave, and complete one is the wave front. Now if this wave front is incident, then this one is in the straight direction and it is reflected also in the same direction. लेकिन थोड़ा distance ज्यादा है बच्चों, लेकिन ये यहां से जाएगा. So according to the reflection, this wave is not coming back into the same direction, it is in this direction. And also it is, yahan se jayega, to ye aayega aise. So yahan par formation aise ho sakta hai. And finally what happened? All are converges at one point, at this point is called the focal point. Right? So this thing happened in the case of the mirror. ऐसे आप कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस समझाया, कॉनकेव मिरर समझा दिया. अभी आप कॉनकेव लेंस भी ले सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर भी ले सकते हो. आ रही है ना बात समझ में? बस यही काम आपको करना है. फाइनली एक बात और बोल दो,
ये सभी का फेज सेम होता है। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे, फेज सेम होता है, मैं बोल रहा हूं डिस्टेंस सेम नहीं होता है, फेज सेम होता है। फेज का मतलब अगर मैक्सिमम पे है तो मैक्सिमम, मिनिमम पे है तो मिनिमम, ऐसे मैं बात कर रहा हूं ऑसिलेशंस के फेज की बात कर रहा हूं। रीजन इज दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस वन इज मोर बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द वैक्यूम इज लेस। बट व्हाट हैपेंड इन द केस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द ग्लास इज लेस बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द एयर इज मोर। मतलब समझ में आ रहा है ना कि ग्लास में डिस्टेंस कम है तो वैक्यूम, हवा में डिस्टेंस ज्यादा है, ग्लास में डिस्टेंस ज्यादा है तो हवा में डिस्टेंस कम है। तो ऐसा करके ये सभी पॉइंट्स के लिए फेज डिफरेंस सेम रहता है। सो दिस इज नथिंग बट द वेव फ्रंट, सेम चेंज हो गया थोड़ा बहुत, राइट? ओके, सो दैट्स ऑल इन द केस ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन वेव बाय द प्लेन सरफेस, राइट? ये डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस के लिए भी रिफ्रैक्शन भी समझाया आपको। ऑल दिस आर नथिंग बट द रिफ्रैक्शन, यहां पे रिफ्लेक्शन, इन दिस केस देयर इज अ रिफ्रैक्शन, राइट? This is the reflection. All my dear bachcha badi, for today's lecture, this is sufficient for you. Hai na? Thank you so much. Take care. Padhte rahiye, revise karte rahiye. Okay? Take care of yourself, your family. Thank you.